हे गर्ल्स, वेलकम बैक। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल ये लुक। सो दुर्गा पूजा के साथ साथ नवरात्रि भी होती है एंड मेरे बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आज ये लुक लेके आई हूँ। ये है एक स्मोकी आइज, लेकिन मैंने ये स्मोकी आइज बहुत इजीली क्रिएट किया है, आप आगे देखोगे। एंड आज मैंने मेकअप को थोड़ा सा स्वेट प्रूफ रखने की कोशिश की है, क्योंकि नवरात्रि में डांडिया खेला जाता है, काफ़ी सारा डांस होता है, तो जो स्वेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है। इससे मैंने कोशिश की है कि मेकअप को थोड़ा सा स्वेट प्रूफ रखने की। एंड मैंने इस लुक को कैरी किया है सिल्वर ज्वेलरी के साथ। अगर आप देखना चाहते हो कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपको पता ही क्या करना है, अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप ऐसे और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देख सको। अगर आपको मुझे कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट पर ज़रूर फॉलो करना। एंड मेरे बंगाली सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के लिए मैंने तो बहुत सारे दुर्गा पूजा के लुक शेयर कर दिए हैं, उन्हें ज़रूर चेक कर लें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ एवॉन की न्यूट्राइजर ऑयल के साथ। ये एक लाइट वेट ऑयल है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपकी स्किन को सिर्फ ग्लोई बनाएगा, ऑयली नहीं बनाएगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का जीरो पोर प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे से पोर्स को फील करता है। एंड नवरात्रि में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपने अंडर आइज़ पे भी अच्छे से इसको टैप इन मोशन में अप्लाई करूँगी। सो इसके बाद मैं करूँगी कलर करेक्टिंग। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो पैलेट, मेरा शेड है 01। इसमें से मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिनों से थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके उतनी ज़्यादा फेस पे डार्कनेस नहीं है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अपने माउथ के साइड में भी लगाऊंगी, कि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्कनेस है। अब मैं इसको लूज पाउडर से थोड़ा सा सेट कर लूंगी, ताकि ये फाउंडेशन या फिर कंसीलर के साथ मिक्स ना हो। फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है वार्म हनी। एंड उसके साथ मैं मिक्स करूंगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज। मेबलिन में जो शेड है मेरा वॉर्म हनी, वो मेरे स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा शेड आया है। ये दोनों ही फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा मैट है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक ही लेयर लगाया है, लेकिन काफ़ी अच्छा कवरेज मिल रहा है मुझे। इसके बाद फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एंड उसमें से जो फर्स्ट हाईलाइटिंग शेड है उसको मैं अपने हाईलाइटेड एरिया पे लगा लूँगी, लाइक अंडर आइज पे, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन एंड क्यूपिड्स बो पे। एंड मैं थोड़ा सा रिवर्स कॉन्टोरिंग के लिए भी लगा लूँगी, ताकि मेरा जो कॉन्टोरिंग हो वो थोड़ा सा शार्प दिखे। एंड नाउ ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। मेकअप को अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। इसके बाद मैं कर रही हूँ फेस को बेक। एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एमएन का बनाना पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर या फिर बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप नवरात्रि के टाइम बेक ज़रूर करो फेस को। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको तो ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद मैं स्पंज की हेल्प से पूरे पाउडर को अपने फेस पे अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एक्सेस पाउडर को मैंने ब्रश के साथ क्लीन कर लिया है। आईब्रोज मैंने ऑफलाइन फील कर लिया है, आज मेरे आईब्रोज थोड़े से बुशी हो रखे हैं, इसलिए मैं आईब्रोज को क्लीन कर रही हूँ सेम कंसीलर के हेल्प से। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अगर आपको टाइम नहीं मिला है आपके आईब्रोज को ग्रूम करने का तो आप ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद फिर से मैं पाउडर के साथ आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ क्लब फैक्ट्री से लिया हुआ ये पैलेट। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। ब्लश के लिए मैं यूज़ करी ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश इन द शेड आई थिंक 503। ये बहुत ही अच्छा पार्टी काइंड ऑफ ब्लश है क्योंकि इसमें गोल्डन कलर की शीन है। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करी मिस क्लेयर के सिंगल आई शेडो इन द शेड 0651। ये एक गोल्डन टाइप ऑफ कलर है, मैं इसको यूज़ करके अपने हाइस्ट पॉइंट को हाईलाइट करूँगी। लिपस्टिक पहनने से पहले मैं लिप्स को लाइन कर रही हूँ एंड मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का कलर लॉक लिप लाइनर इन द शेड ब्लश। ये लिप लाइनर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है तो आप इसे एज अ लिपस्टिक भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कैप्सूल लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड कोरल करप्शन। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कोल पेंसिल इन द शेड ब्लैक एंड इसको मैं हाफ ऑफ द आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। ये पेंसिल मच प्रूफ नहीं है इसलिए मैं इस लुक के लिए इस पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक स्मजर ब्रश एंड इसके हेल्प से मैं इस ब्लैक कोल पेंसिल को अच्छे से स्मज कर लूँगी। स्मज करते करते मैं इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हूँ। अब मैं कलर को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा एक रेडिएशन टाइप लुक आता है। ब्रश में जो लेफ्ट प्रोडक्ट है उसी को मैं लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का मॉडर्न मैट कलेक्शन आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं इस ब्लैक शेड को लेके जो काजल है मेरा उसको सेट कर लूँगी। आप देख सकते हो ये ब्लैक शेड कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। इस पैलेट को मैंने इस प्लैनेट मार्केट से लिया था जस्ट 150 रुपीज़ में। मैंने इसका एक हॉल भी शेयर किया था, आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। इसके बाद जितना भी थोड़ा बहुत फॉल आउट है मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। अब मैं एक बिग ब्रश ले रही हूँ एंड उसके साथ मैं उस कोरल शेड को लेके आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी एंड आप देख सकते हो पैलेट काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। एजेस को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है ताकि आपका जो आई शेडो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। लोअर वाटर लाइन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का न्यूट काजल। ये काजल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी सबसे फेवरेट मस्कारा मेबलिन की लैश सेंसेशनल मस्कारा। ये मस्कारा मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा बोर फील हो रहा है, मैं अभी कोई नया मस्कारा जरूर ट्राई करूँगी। फिर से मैं सेम हाइलाइटिंग शेड को लेके अपने ब्राउ बोन को एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद इस लुक को फिनिश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक रेड कलर की बिंदी स्टोन वाला एंड मैं अपना एक लाइनर ले रही हूँ एंड 3 डॉट्स बनाऊंगी अपने चिन पे एंड अपने बिंदे के नीचे भी एक डॉट बनाऊंगी थोड़ा सा गरबा लुक लाने के लिए। आई होप आई एम डूइंग इट राइट।
मैं आज कैरी कर रही हूँ थोड़ी सी सिल्वर ज्वेलरी, मैंने एक ईयरिंग को ही मांग टीका बना लिया है और मैं फेस को सेट कर रही हूँ ब्लू हेवन के मेकअप फिक्सर के साथ। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड मेरे चैनल को तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।